Assalamualaikum friends, Dr. Sumeya here. Welcome to my channel once again. आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस के बारे में. बैलेंस के हम कैसे क्योर करें, गैर बैलेंस अगर इश्यूज होता है आपको, तो आप कुछ एक्सरसाइजेस है जो आप घर पे अपने एल्डर लोग, जो अपने एजेड ग्रुप है, अपने नाना नानी दादा दादी हैं घर में, जो रिलेटिव ओल्ड हैं, उनको आप एक्सरसाइजेस बता सकते हो, करा सकते हो, और इससे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा. जैसे हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे ओल्ड एज, जैसे की उम्र 50 साल के ऊपर हो गई, 60 साल के ऊपर हो गई, तो उन लोगों को अक्सर होता है बैलेंस का प्रॉब्लम. बैलेंस का इशू मतलब क्या है, जैसे कि उनको बार बार गिरने की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार वो गिर जाते हैं. ठीक है, गिर जाते हैं, उनको बैलेंस लगता है कि वीक हो गया, फिर वो चलने से डरने लगते हैं, रात में उठे अचानक से गिर गए. तो ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, हमारी बॉडी की कुछ मसल इम्बैलेंसमेंट की वजह से होता है, कभी कभी ब्रेन कोऑर्डिनेशन की वजह से प्रॉब्लम आता है. सो ये सारा बैलेंस इशू करने लगता है, जिससे उनको फ्रैक्चर के चांसेस हो जाते हैं, उनको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है. तो ये सब ना हो तो वो हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है. आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ सपोर्ट के लिए लेना है. अगर एज ज़्यादा है आपके घर में, आपके पेशेंट की या आपके आपके नाना नानी दादा दादी की रिलेटिव की, तो आपको क्या करना है ना, आपको उनको सपोर्ट देने के लिए पहले एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बैलेंस होना चाहिए. जैसे मैं चेयर का सपोर्ट लेती हूँ, आप वॉल ले सकते हैं, आप दीवार के सहारे से पढ़ सकते हैं, दोनों तरफ से आपको बैलेंसिंग मिलना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके दोनों पैरों को ठीक है स्ट्रेट रखना है. आपका जो टोस है, आपकी जो अंगूठा है, उसका डायरेक्शन बिल्कुल सामने होना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो स्ट्रेट होना चाहिए. ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पैर को आगे की तरफ रखेंगे, एड़ी फिर पंजा, फिर उसको जगह पे लाके रखेंगे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे. उसी तरह से वही पैर को आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे रखेंगे फिर जगह पे रखेंगे. पैर को मैं पीछे लेके जा रही हूँ, पीछे की तरफ ऐसे रख रही हूँ, फिर मैं जगह पे लेके आ रही हूँ. ठीक है, फिर पीछे फिर आगे. उसके बाद क्या करना है, चेयर के पास गैप रखते हुए पैर को बाहर अंदर, बाहर अंदर. ठीक है, ये हो गया तीसरा मूवमेंट. चौथे मूवमेंट के लिए क्या करना है, ये पैर ऐसे रहेगा, आपको ये वाला पैर अंदर की तरफ टच कराना है, फिर बाहर लेना है. बैलेंस प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कुछ होल्ड कर सकते हैं दोनों तरफ से, और अगर एक तरफ से बैलेंस कर सकते हो तो आप सिर्फ एक साइड होल्ड करो, दूसरा पैर आपको ऐसे लेके जाना है. ठीक है, ये हो गया आपकी चार एक्सरसाइज. ये फर्स्ट मूवमेंट, पीछे वाला सेकेंड, बाहर वाला थर्ड, ये वाला हो गया फोर्थ मूवमेंट. ये चार मूवमेंट हो गया. उसके बाद क्या करना है आपको, चेयर को होल्ड करते ही एक पैर पे बैलेंस करना है, फिर नीचे रखना है, फिर बैलेंस करना है, फिर नीचे रखना है. ठीक है, आप ऐसे टर्न करके भी बैलेंस कर सकते हो, पैर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. ठीक है, ये भी आपको 5 times करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एडी पूरा वजन आपको पंजे पर डालना है, आप सहारा ले सकते हो, फिर धीरे धीरे करके नीचे ला के पूरा वजन एडी पर डालना है. ठीक है, फिर पंजे पर डालना है, फिर नीचे लाना है, आपको एडी पर डालना है. ये हुई आपकी 6th एक्सरसाइज. ठीक है, 7th एक्सरसाइज में कैसा करना है, आपको एक पैर के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करना है. आप सहारा ले सकते हो, कितनी देर तक आप इस पोजीशन में खड़े हो सकते हो आप देखना है. अगर आपको वेट बिना एक सहारा, एक हाथ से सहारा लेना है, तो आप एक से लीजिए, या फिर आप दोनों हाथ से सहारा लीजिए. 5 seconds के लिए होल्ड, फिर नीचे, फिर से दूसरा पैर ऐसे उठाना है. आपको एक्सरसाइज दोनों पैर से करना है. सहारा लीजिए, फिर छोड़िए, फिर उठाइए, 5 seconds के लिए रोकिए, फिर छोड़िए. ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आप बैलेंस कर रहे हैं, आपको आंख बंद ऐसे खड़ा रहना है, आंख बंद करके खड़ा रहना है. आप चाहिए तो आप सहारा लेके खड़ा रह सकते हैं, या आप नॉर्मली भी ऐसे खड़े रह सकते हैं, बट आप कोशिश करें कि आपके पास कोई चेयर हो, इनकेस अगर बैलेंस आउट होता है तो आपको होल्ड करने के लिए कुछ मिल जाए. आंख बंद करके खड़ा रहना है 5 seconds तक, फिर छोड़ देना है. उसके बाद आपको कुछ दिन ये प्रैक्टिस करने के बाद एक पैर ऊपर करना है, और ये पकड़ते हुए आंख बंद करके खड़ा रहना है जितने 5 seconds के लिए, फिर छोड़ना है. दूसरा पैर उठाने, आंख बंद करके खड़े रहना है 5 seconds के लिए, छोड़ देना है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट कुछ दिन एक्सरसाइज करने के बाद, आपको प्रोग्रेस होने के बाद, आपको एक पैर को पूरा जगह पे रखना है, दूसरे पैर को ऐसे उसके पैर से ऐसे लेवल पे लाना है. ठीक है, और ऐसे खड़ा रहना है. तो ये थोड़ा सा बैलेंस आउट होगा, आप इसको सहारा ले लीजिए. ठीक है, उसके बाद जगह पे लाना है, फिर दूसरा पैर आगे लाते हुए फिर ऐसे बैलेंस करना है. ठीक है, उसके बाद एक लाइन बनानी है आपको, स्ट्रेट लाइन, उसमें आपको इसी तरह से चलना है. ये पैर हो गया, इसको सहारा लेते हुए ये वाला पैर बिल्कुल पैर से पैर टच करा के चलना है. इसको बोलते हैं टेंडम वॉक. ठीक है, स्ट्रेट चलना है, बैक नहीं भी चलेंगे तो चलेगा. ठीक है, सो दिस आर फ्यू एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प कर सकती है बैलेंस इंप्रूव करने के लिए.
लेकिन ये ध्यान रखिए आप एक बार दो बार करेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइजेस करते रहना है। जितना ज़्यादा आप रेपिटेशन दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको कोई अगर साथ में कोई असिस्टेंट रहता है, आपके कोई फैमिली मेम्बर है, साथ में रह के ही एक्सरसाइज कराइए ताकि उनका बैलेंस भी बढ़े, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए करने के लिए। ऐसे अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, कमेंट में डालिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, आप प्लीज़ उस बारे में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स।